तो कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 2022। माई फर्स्ट डे एट IIT खड़गपुर। तो जहाँ 2 साल मेहनत करके फाइनली IIT में सिलेक्ट होने की खुशी हो रही थी, तो वही घर वालों को छोड़ के एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है, ये सोच के भी डर लग रहा था। पैकिंग तो पहले से हो रखा था, तो सुबह सुबह हम निकल पड़े मेरे सपनों की ओर। तीन चार घंटे के सफर के बाद हम खड़गपुर स्टेशन तो पहुंच गए थे, पर मेरी मंजिल अभी भी 5-6 किलोमीटर दूर जो था। तो हम स्टेशन से गाड़ी लेके निकल पड़े और इसी के साथ आई फाइनली रीच्ड IIT खड़गपुर। ये कुछ अलग ही फीलिंग था जिसको मैं शायद वीडियो में कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम चले हॉस्टल की ओर। आई वॉज अलॉटेड MMM हॉल ऑफ रेजिडेंस। तो वहाँ जाके सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरा करना था। तो हम 1:30 बजे तक हॉस्टल पहुँच गए थे। तो पहुँचने के बाद मैं लाइन पर लग गया। सही बता रहा हूँ, IIT में आने की जितनी खुशी और एक्साइटमेंट थी ना, 6-7 घंटे से वो उस लाइन पर लग के सब चला गया था। क्योंकि ऐसा था, कोविड के बाद हमारा पहला बैच था ऑफलाइन का, और जो नए हॉल्स बनने थे वो भी बने नहीं थे अब तक। तो हमें अलॉट हुआ MMM, और नियरली 1000 के करीब फ्रेशर्स को यही हॉल अलॉट हो गया था। तो रूम कीज मिलते मिलते तो रात हो चुका था। यह है हमारा रूम, और MMM में सारे रूम से डबल शेयरिंग है। और यही वो एक दिन होता है जब आपके पेरेंट्स आपके रूम में आ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से आपको अगर आपके पेरेंट्स से मिलना होता है तो हॉल के बाहर जाके मिलना पड़ता है। उस दिन मेरे पेरेंट्स मेरा रूम ठीक करके बाहर एक होटल पर रुके थे। तो ये मेरा पहला दिन था हॉस्टल लाइफ का, क्योंकि JEE के प्रिपरेशन भी मैंने घर रह के किया था, तो इसके पहले कभी हॉस्टल में रहा नहीं था। और रूम कीज के साथ हमें एक मेस कार्ड भी मिला था। तो पेरेंट्स के जाने के बाद मैं और मेरा रूममेट चलते हैं मेस की ओर। भाई साहब, पहले 1-2 हफ्ते तो हम इसी सोच में पड़ गए थे कि MS वालों के साथ हमारा कोई पुराना रिश्ता तो नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा खाना दे रहे थे ना। पर असली मज़े तो उसके बाद आते हैं जब हमें सलाद के साथ एक्स्ट्रा प्रोटीन के नाम पे कीड़े ही मिलते हैं। तो डिनर के बाद हम सीधे रूम पे आ गए। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, तो मैं आके सो गया। उसी के साथ कैसे रात बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। और अगले दिन पेरेंट्स के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदना था। बाकी IIT खड़गपुर में तो एक साइकिल का इंपॉर्टेंस उसे ही पता है जिसके पास वो है नहीं, क्योंकि बिना उसके तुम डेली 3-4 किलोमीटर क्लासेस जाने का सोच रहे हो तो क्लास पहुँचो या ना पहुँचो हॉस्पिटल तो ज़रूर पहुँच जाओगे। बाकी डेली बसेस भी रहते, पर उसके लिए तुम्हें बहुत पहले से जाके रेडी होना पड़ता है, और उसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं रहता, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम सबसे पहले चले एक साइकिल खरीदने। तो उसके बाद मैं जाता हूँ मेन बिल्डिंग। तो वहाँ सारे अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोटो लेने में बिजी थे, कोई अपना खुद का फ़ोटो ले रहा था, क्योंकि ये एक ड्रीम रहता है सबका कि जाके मेन बिल्डिंग के सामने फ़ोटो लेना। ये मेरा भी था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने ना तो एक फ़ोटो लिया। और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के बाद घर वाले मुझे हॉस्टल छोड़ के घर की ओर निकलते, और मैं यहाँ नया घर नए लोगों के साथ लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था। तो नेक्स्ट डे से हमारा इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होना था, तो उसको लेके किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट होता है IIT खड़गपुर में। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।